Hello students, today I am here to discuss with you the three nature of Indian state, that is the liberal, Marxist and Gandhian nature of Indian state, जिसे हम कहते हैं उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी राज्य की प्रकृति. तो सबसे पहले students, what is state? राज्य क्या है और राज्य की हमें आवश्यकता क्यों है, राज्य के क्या विशेषताएं हैं, क्या बेसिक फीचर्स हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं सारे राज्यों के लिए. तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रॉबर्ट डाल का एक डेफिनेशन देना चाहूँगी, दैट द स्टेट इज़ द अल्टीमेट रेगुलेटर ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स विद इन इट्स गिवन टेरिटरी. दैट मीन्स जो राज्य है वो अल्टीमेट रेगुलेटर है, वो ये ध्यान रखता है कि उसके जो टेरिटरी है उसमें जो जो जिस फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी उसकी वैधता कितनी है, उसकी लेजिटिमेसी कितनी है. और जब उस फोर्स की लेजिटिमेसी वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको मतलब उसको एक्सेप्टेंस देता है, तभी हम उसको एक पावर या उसको अथॉरिटी की तरफ हम देखते हैं. नहीं तो जब तक उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तब तक उसको राज्य का आधार नहीं है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट. नाउ आफ्टर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आई विल टॉक टू यू अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ स्टेट. राज्य की चार बेसिक जो फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंस हैं वो क्या हैं. सबसे पहला तो है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या है. दूसरा जो है इसका इम्पोर्टेंट फीचर वो है फिक्स्ड टेरिटरी, ठीक है. तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है सॉवरेनिटी, जिसे हम संप्रभुता भी कहते हैं. तो ये चार बेसिक फीचर्स हैं किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट की. दो वी नो दैट स्टेट इज़ नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस जिसे हम देख सकते हैं, बट आधार है, गवर्नमेंट का आधार है स्टेट, जिसे हम मानते हैं कि एक अथॉरिटी है जिसके पास लेजिटिमेसी है और वो परफॉर्म करता है. अब स्टेट के डेफिनेशन को बहुत स्कॉलर्स ने दिया है. मैकियावेली ने भी अपने काम में स्टेट के बारे में चर्चा की है, अपनी किताब प्रिंस में चर्चा की है. एरिस्टोटल ने भी ग्रीक सिटी स्टेट्स के समय स्टेट की संस्था के बारे में चर्चा किया है. और आज तक बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने स्टेट के बारे में, स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि स्टेट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ गवर्नेंस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. तो उस फैक्टर ऑफ गवर्नेंस जो हमारे आज के दौर में लीड कर रहा है, उस गवर्नेंस के फैक्टर को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, क्या रूप होना चाहिए उसका. और इस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए, इस दृष्टिकोण को समझने के लिए, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द थ्री डिफरेंट नोशन, दैट इज़ द लिबरल, द फेमस नोशन दैट इज़ द लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड द गांधीयन नोशन ऑफ इंडियन स्टेट. तो सबसे पहले मैं लिबरल नेचर ऑफ स्टेट से शुरुआत करती हूँ. तो लिबरल नेचर ऑफ स्टेट को हम किस तरह से समझते हैं, क्या होता है लिबरल? लिबरल शब्द ही लिबर से आया है, मींस कि फ्री, टू सेट समवन फ्री. तो जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, फ्री होने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि फ्रीडम एक के लिए जो एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट होगा वो होगा डेमोक्रेटिक कल्चर का. तो ऑब्वियसली एक लिबरल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में हमें एक डेमोक्रेटिक कल्चर मिलता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें संस्थाएं काम करती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं और एक अपने फॉर्मेट में काम करती हैं. और ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस बनाती हैं, काम करती हैं, प्रक्रियाएं बनाती हैं और उनका निर्धारण करती हैं, तो ये जो संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं ये हमारे जो इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी रिजॉल्व करती हैं, रिकंसिलिएट करती हैं. तो लिबरल नेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो दृष्टिकोण है वो है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू रिकंसिलिएशन, थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू टॉकिंग, थ्रू डायलॉग, थ्रू डेलिबरेशंस एंड थ्रू कंसेंसस आल्सो. तो जब स्टेट का दृष्टिकोण इस तरह का होता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से वो लोगों को समझा के, कन्विंस करके अपने दृष्टिकोण उनको समझाए, अपनी बातें उनको समझाए, तो बहुत हद तक हम इसको एक लिबरल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं.
तो लिबरल अंडरस्टैंडिंग के बहुत बेंचमार्क्स हैं, बहुत सारे अंदर डिबेट्स हैं, स्कॉलर्स ने डिबेट्स किए हैं इसके अंदर. देर आर मैनी स्कॉलर्स हु हैव डिबेटेड विद इन द लिबरल नोशन, लिबरल कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव के थ्रू, पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव के थ्रू, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट्स ऑफ दो स्कॉलर्स. तो सबसे पहले तो ये हम रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं डेमोक्रेसी में. अब हम कई बार कल्चर ऑफ कंसेंसस की भी बात करते हैं कि लिबरल नेचर ऑफ स्टेट के अंदर एक कल्चर ऑफ कंसेंसस होगा. और कुछ स्कॉलर्स हैं जो लिबरल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबरल नेचर ऑफ स्टेट के पे उन्होंने काम किया है, और उनकी आप जो रीडिंग्स हैं वो पढ़ सकते हो. मॉरिस जोन्स हैं, रजनी कोठारी हैं, अतुल कोहली हैं, फ्रांसिन फ्रैंकल हैं, देर मेनी अदर स्कॉलर्स हुआ दे. तो लिबरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो स्टेट है उसको समझने के लिए, वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द लिबरल नेचर ऑफ स्टेट हियर, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट आर द थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स, थ्री डिफरेंट लेंसेज थ्रू विच द स्टेट इज़ वर्किंग, और किस तरह के और लेंस होने चाहिए राज्य जो काम करती है, सो दैट कि इट इज़ मोर ह्यूमन. सेकेंड दृष्टिकोण पे बात करते हुए, वी आर मूविंग टू द सेकेंड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, दैट इज़ द मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. कार्ल मार्क्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. मैंने अपनी क्लास में भी आपको बताया है कि कार्ल मार्क्स की जो हमारी जो वर्क है वो बेसिकली कैपिटलिज्म और प्रोलेटेरियनिज्म पे है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे है, ओनरशिप, कैपिटल, इन सारी चीज़ों पे है, सरप्लस लेबर, काफ़ी चीज़ों की बात की है क्लास में मैंने. तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है उसका बेसिक जो फीचर है वो क्या है, किन आधारों पे काम करता है, कौन से स्कॉलर्स हैं जिनकी रीडिंग्स आपको पढ़नी पड़ेगी व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन. स्टेट को हम कहते हैं कि क्लास डोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट है. ये जो क्लास डोमिनेशन है, ये कौन सा क्लास है जो डोमिनेट करता है? तो सबसे पहले तो ये रूलिंग क्लास है जिसको हम डोमिनेंट क्लास कहते हैं मार्क्सिज्म में. तो ये डोमिनेंट क्लास होते कौन है? लैंडलॉर्ड क्लास, इकोनॉमिक पावर क्लास, या जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है. तो ये जो पावर है उनका, ये रूलिंग क्लास तब बन जाता है क्योंकि हम यहाँ पे मार्क्स ने कहा है कि इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है वही चीज़ों को डिटरमाइन करता है. अगर इकोनॉमिक फैक्टर जो है किसी व्यक्ति के पास, किसी ग्रुप के पास ज़्यादा है, तो वो बाकी के सारे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पोलिटिकल फैक्टर्स, एक्स वाई जी, एनी अदर फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और जो हेजमोनाइज करता है, बेसिकली वो कंट्रोल करता है सब चीज़ों को. ये क्यों पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि जो रूलिंग क्लास है उसके पास इकोनॉमिक पावर है. और दीज डेज में अगर हम आज देखते हैं तो ये बहुत हद तक सच है, जो गरीब हैं वो गरीब हैं और जो अमीर हैं वो अमीर हैं. ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर नहीं बन सकते, अमीर गरीब नहीं बन सकते, पर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इनइक्वालिटी इज़ देयर. एंड व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दीज इनइक्वालिटीज़ इन मार्क्सिस्ट नोशन, जो स्पेशलिस्ट डायनामिक्स है वो है स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, जिसको हम समझें तो बहुत बेहतर होगा. जो ये संरचना है, चाहे कास्ट का हो, चाहे क्लास का हो, चाहे जेंडर का हो, या उसके विद इन कोई अदर क्लेविजेस हों, ये क्लेविजेस क्यों काम करते हैं? क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह से बने हुए हैं कि व्यक्ति उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल सकता, और ये एक विशेष सर्कल हो जाता है, और ये विशेष सर्कल इज़ लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर कैपिटल थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लेबर. जो सरप्लस लेबर, जिनको सरप्लस लेबर का फ़ायदा होना चाहिए वो उनको होता नहीं है, और सरप्लस लेबर को फ़ायदा उनका होता है जिनके पास ओनरशिप ऑफ कैपिटल होती है. तो ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इसमें रिलेटिव ऑटोनॉमी का भी अप्रोच है, और बहुत सारे अंदर इंटरनल डिबेट्स हैं. उस डिबेट्स पे स्टूडेंट्स आई एम नॉट गोइंग, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं दोबारा इस पर वीडियो अपलोड करूँगी. अगर रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई विल अपलोड द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. बट बिफोर दैट यू प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज़ द सिंपल टॉपिक, दैट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, द लिबरल मार्क्सिज्म एंड गांधी नोशन. इन तीन नोशन को आपको समझना है, इनके बेसिक डायनामिक्स क्या है, क्या बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, और क्या कुछ लिमिटेशंस हैं इनके, बेसिक चीज़ें, और स्कॉलर्स कौन से हैं जिन्होंने अपनी रीडिंग्स या अपनी काम इस पर किया है. अब हम स्कॉलर्स की बात करें, कार्ल मार्क्स हो गए, प्रणब बर्धन हो गए, यार देसाई हैं, सुदीप्ता कविराज हैं, देर मेनी मेनी मोर स्कॉलर्स हु आर टॉकिंग ऑन द मार्क्सिस्ट नोशन. मार्क्सिस्ट नोशन से बियॉन्ड न्यू ह्यूमनिस्ट, न्यू मार्क्सिज्म पे भी बात करते हैं.
इतनी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बीए प्रोग्राम में जो आपने जो वो पेपर्स पे जो आंसर्स लिखोगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक डायनामिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, व्हाई वी आर सेइंग द स्टेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्लास, और ये क्लास क्यों रूल करता है, क्या कारण है जिसके वजह से ये रूल करता है, क्या हम ये क्लास डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के लिए वो स्ट्रक्चरल जो डायनामिक्स इसको चेंज करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चरल डायनामिक्स इतने इनहेरेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम उसको चाहके भी चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल देर इज सम मूवमेंट, देर इज सम रेवोल्यूशन, देर इज सम यू कैन से डिसेंट इन सोसाइटी, और बहुत बड़ा एम्पावरमेंट आए, हम इस तरह के डायनेमिक्स को नहीं ला सकते। तो ये है मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, स्टेट जो जिसको हम मार्क्सवादी अवधारणा कहते हैं, राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा। अब राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा क्या ये सक्सेसफुल है स्टेट को समझाने के लिए? बहुत हद तक हम मार्क्सवादी अवधारणाओं के रेलेवेंस भी हैं, और बहुत हद तक इसकी सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, कि बेसिकली ये दो क्लास ही नहीं है कि बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट क्लास है जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और पावर में आने की कोशिश कर रहा है, कब कौन आएगा कब कौन नहीं आएगा, पर इसके बीच का भी क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके बारे में चर्चा मार्क्स ने नहीं की, मार्क्सिस्ट नोशन में नहीं है, और उस क्लास के क्या आधार है उसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। तो मार्क्सिस्ट नोशन के अपने लिमिटेशंस हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और थर्ड